हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हाई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके पुरानी साड़ी में अम्ब्रेला कट लहंगा बनाना बताऊंगी। इसमें ये अम्ब्रेला कट मैंने चार लड़ा फोल्ड कर लिया है। इसको 6 मीटर कपड़े को एक छोटी सी गुड़िया का भी लहंगा बन जाएगा। इसमें वो आगे वाले भाग में दिखाऊंगी, सेकंड भाग में उसको कैसे सिलाया मैंने। अब इसकी कटिंग बताऊंगी। इसकी कमर मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। ये कमर इसकी 37 या 38 करनी है अपन को। लंबाई 36 इंच चलेंगे कि ये 36 पे निशान लगा रही हूँ मैं, क्यों अम्ब्रेला कट को अक्सर करना पड़ता है सिलाई के बाद, इसलिए फिर ये निशान लगा लूँगी गोलाई पे मैंने अम्ब्रेला कट पे। ये से पूरी में निशान लगा लूँगी। ये पुरानी साड़ी है अपने, इसकी लेस मैंने उठा ली है। बिल्कुल प्लेन लहंगा बनाएंगे इसका और फिर नीचे पिको करवा लेंगे और 3 मीटर का अस्तर भी लगाएंगे इसके नीचे अपन, वो भी अम्ब्रेला कट ही कटिंग करेंगे लहंगे की अस्तर की। ये से कमर की कटिंग कर लेंगे। अब नीचे से कटिंग कर लेंगे जहाँ निशान लगाया था वहाँ पे, वो अपनी लंबाई के हिसाब से निशान लगा ले। अस्तर का वीडियो नहीं बनाया मैंने कटिंग का। अस्तर की लंबाई मैंने 34 इंच की कटिंग की थी, क्यों लहंगे की 36 इंच है। और 36 इंच पे अपने लहंगे में जॉन्ट भी नहीं आया नीचे की साइड। अब ये अस्तर वाला कपड़ा था 3 मीटर, इसमें नीचे आएगा जॉन्ट, ये मैंने कटिंग कर ली है यहाँ पे कोने में। अभी सिलाई कर लेंगे। पहले अस्तर तैयार कर लेंगे। ये नीचे अस्तर में ये जॉन्ट आया था उसकी सिलाई कर लेंगे, फिर अपना अस्तर तैयार हो जाएगा। अभी लहंगे के दो जॉन्ट पहने थे ना, उसको एक जगह करके सिलाई कर लेंगे। 6 मीटर का लहंगा था ये। ये अस्तर ऊपर कमर में स्टिच करके सिलाई कर लेंगे, फिर नेफत लगाएंगे इसके। ये अस्तर कर लेंगे पहले। ये अस्तर लग गया अपना। ये नेफा कर लगा रही हूँ मैं ऐसे, बहुत सुंदर लहंगा बन के तैयार होगा अपना ये। अगर कमर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो इसमें चुन्नट भी डाल सकते हैं अपन बारीक वाली। इन नेफे को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। वी साइड में से फोल्ड कर लेंगे। मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछिए। आप लोग देखिए इतना घेर बनाया है इसमें लहंगे में, और मैंने पिको करवा लिया है नीचे इसी कलर में, देखिए आप लोग।